लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत जब होता है जिसको होता है दुनिया बदल देता है। रणवीर कपूर की एक मूवी का डायलॉग आपने सुना ही होगा, लव प्यार इश्क मोहब्बत जब होता है जिसको होता है दुनिया बदल देता है। डायलॉग भले ही फिल्मी हो लेकिन रूस और यूक्रेन के मामले में बिल्कुल सटीक बैठता है। रूस को यूक्रेन से मोहब्बत है लेकिन यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से प्यार है। इस लव ट्रायंगल की वजह से रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपने 1,00,000 से ज्यादा सोल्जर, टैंक और मिसाइलें तैनात कर दी हैं। पहले आपको बताते हैं रूस और यूक्रेन के बीच का ये पूरा विवाद। यूक्रेन एक सोवियत राष्ट्र है। साल 2014 में रूस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए यूक्रेन का हिस्सा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से यूक्रेन की सेना और रूस के बीच लड़ाई जारी है। ऐसा कहा जाता है कि इस लड़ाई में 14,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 20,00,000 लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। रूस धीरे धीरे यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाता जा रहा है। इस बीच अमेरिका और यूरोप ने चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन रूस पर इस धमकी का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में युद्ध की स्थिति को भांपते हुए अमेरिका ने 200 देशों के दूतावासों को वापस देश लौटने को कहा है। यही नहीं, अमेरिका ने अपने देश के लोगों से यूक्रेन न जाने की भी अपील की है। यानी साफ है, यूक्रेन कभी भी जंग का मैदान बन सकता है। आईएन ब्यूरो।